हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शानू किटन सी एस सी क्लासेज इन दिस वीडियो वी विल सी स्नूपी बस कैश कोहरेंस प्रोटोकॉल सो स्नूपी बस प्रोटोकॉल एक स्कीम है कैश कोहरेंस की जिसमें हम ये देखते हैं कि कैश कोहरेंस को कैसे मेंटेन करना है सो कैश कोहरेंस क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसे जस्ट शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं सो जनरली मल्टी प्रोसेसिंग एनवामेंट में जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स एक सिस्टम में होते हैं हर प्रोसेसर के पास उसकी खुद की ओन लोकल कैश होती है और वो एक शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं मीन्स अगर ये प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी के किसी डेटा को एक्सेस करता है तो उसकी एक कॉपी उसके कैश में क्रिएट होती है और इन केस अगर वो इसे अपडेट कर देता है सपोज़ x से x1 उसने अपडेट कर दिया तो ये कॉपी भी शेयर्ड मेमोरी में भी अपडेट होनी चाहिए प्लस दूसरे प्रोसेसर की कैश में भी अपडेट होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटा इनकन्सटेंसीज आती हैं और इसे हम कहते हैं कि कैश इनकोहरेंट है ठीक है सो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है कैश कोहरेंस प्रॉब्लम सो मल्टी प्रोसेसिंग एन्वायरमेंट में जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स विद मल्टीपल कैशेस शेयर मेमोरी के साथ डेटा एक्सचेंज करते हैं इंडिपेंडेंटली सो डिफरेंट डिफरेंट कैशेस में डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज हो सकती है डेटा की ठीक है अलॉन्ग विद द शेयर मेमोरी भी वहाँ भी डिफरेंट कॉपी हो सकती है तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैश कोहरेंस प्रॉब्लम सो कैश कोहरेंस रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द डेटा इन दीज कैशज कंसिस्टेंट ठीक है सो अब इस कैश कोहरेंस प्रॉब्लम को हमें सोल्व कैसे करना है सो so, इसे सॉल्व करने के लिए मेनली दो प्रोटोकॉल्स होते हैं और वी कैन से दो मैकेजम्स या दो स्कीम्स होते हैं कैश कोहरेंस प्रोटोकॉल्स वन इज स्नूपी बस प्रोटोकॉल एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल स्नूपी बस प्रोटोकॉल जो होता है ये बस बेस् सिस्टम में यूज़ होता है ऐसे मल्टी प्रोसेसर्स जो कि इंटरनली जिसमें प्रोसेसर्स बस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं वहाँ पे हम स्नूपी बस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और इसका लिमिटेशन ये रहता है कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को ऐड नहीं कर सकता स्केलेबिलिटी इसमें इशू होता है बट ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है अगर हम मल्टी प्रोसेसर्स में बस स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैश कोरेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं सेकेंड वन डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी मल्टी प्रोसेसर्स जो होते हैं लाइक नूमा मशीन्स जो होते हैं अगर हमें मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करना है ठीक है अगर हम क्रॉस बा स्विचेस के थ्रू एस एम पीज को मल्टी प्रोसेस को आपस में कनेक्ट करके ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि काफ़ी स्केलेबल है ठीक है सो वहाँ पे हमें डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है जैसे कि नूमा मशीन्स ठीक है और स्नूपी बस में जनरली उमा मशीन्स आती हैं जो कि स्नूपी बस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं और डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल नुमा मशीन्स जनरली यूज़ करते हैं दैट आर स्केलेबल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ओके नाउ इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे स्नूपी बस प्रोटोकॉल को और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल को सो स्नूपी बस प्रोटोकॉल क्या होता है स्नूपी बस प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि ये कहाँ पे यूज होता है इट इज़ यूज फॉर बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ऐसे मल्टी प्रोसेसर्स ऐसे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर मशीन्स जिसमें बसेस के थ्रू प्रोसेस कनेक्ट होते हैं जिसे हम उमा मशीन्स भी कहते हैं वहाँ पे स्नूपी बस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है कैश कोहोरेंसी को मेंटेन करने के लिए ठीक है फॉर एग्जांपल ये दो प्रोसेस दिख रहे हैं इनकी खुद की ओन लोकल कैशेस हैं और यहाँ एक शेयर मेमोरी है जहाँ पर एक कंसिस्टेंट डेटा फिलहाल रखा हुआ है और इस बस के थ्रू ये कनेक्टेड हैं आपस में और इस बस को हम कहेंगे स्नूपी बस अगर ये स्नूपी बस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है इसे स्नूपी बस क्यों कहते हैं स्नूपी मीन्स क्या होता है स्नूपी मीन्स इन्वेस्टिगेट करना या मॉनिटर करना या ऑब्ज़र्व करना सो so, यहाँ पे बस का काम होता है मॉनिटर करना किसे मॉनिटर करता है जो भी इस बस के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं मीन्स अगर किसी कैश ने कोई भी डेटा अपडेट किया ठीक है वो चाहे शेयर मेमोरी का डेटा अपडेट हो या खुद का लोकल कैश का डेटा अपडेट किया हो सो so, ये बस स्नूप करता है मीन्स इसे मॉनिटर करता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं किसी भी कैश में या किसी भी मेन मेमोरी में तो वो तुरंत सभी प्रोसेस की कैशज़ को इमीडिएटली पता चल जाता है ये कैसे पता चलता है हर प्रोसेसर के पास जो कैश होता है उसका खुद का कैश कंट्रोलर होता है तो कैश कंट्रोलर क्या करता है ये प्रॉपर बसेस के थ्रू उस पर मॉनिटरिंग करता है जिसे हम कहते हैं स्नूप करना ओके okay? इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं किस किस कैशेज़ में हो रहे हैं और जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर कोई अपडेट करता है या कोई चीज़ें चेंज करता है तो उस हिसाब से वो प्रॉपर एक्शंस लिए जाते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे जो ट्रांज़ेक्शन्स होते हैं बसेज़ में क्या होता है बस एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है मीन्स सभी बसेज से कनेक्टेड हैं और जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ हो रहे हैं जो भी एक्सचेंज हो रहा है डेटा का वो सभी को विजिबल होता है ठीक है सो वी कैन से ट्रांजेक्शन्स ऑन बस आर विजिबल टू ऑल प्रोसेस मीन्स जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इस बस के थ्रू वो सभी प्रोसेसर्स को पता होता है तो स्नूपी बस प्रोटोकॉल में क्या होता है इन स्नूपी बस प्रोटोकॉल वीकैन से ईच प्रोसेसर्स कैश कंट्रोलर हर प्रोसेसर का कैश कंट्रोलर ठीक है सो ईच प्रोसेसर्स कैश कंट्रोलर मॉनीटर्स और वीकैन से स्नूप मॉनिटर करता है या हम जिसे टेक्निकल वर्ड में बोले स्नूप ऑन द बस ठीक है

ठीक है एंड इफ़ एनी मेमोरी ट्रांजेक्शन अकर्स देन दे टेक प्रॉपर एक्शन टू इन्वेलीडेट और अपडेट द लोकल कैश तो जो भी मेमोरी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हिसाब से वो अपने डेटा को या तो अपडेट करता है या इनवैलिडेट करता है ठीक है एज पर द रिक्वायरमेंट सो अगर डिटेल में अगर बोले तो ये बस क्या करता है ये बस अलाउ करता है सारे प्रोसेसर्स को ताकि वो ऑन गोइंग जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व कर सके मॉनिटर कर सके अगर कोई भी बस ट्रांजेक्शन थ्रेटन करता है कंसिस्टेंट रेट को लोकल कैश ऑब्जेक्ट्स के देन कैश कंट्रोलर प्रॉपर या अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है ताकि वो अपने खुद के डेटा को या तो इनवैलिडेट uh, कर ले बिकॉज वो पुराना हो गया है तो इनवैलिडेट कर लेगा या फिर अपडेट कर ले नए के हिसाब से जो भी उनके पास लोकल कॉपी है उसमें सो so, इसको हम कहते हैं स्नूपी प्रोटोकॉल श स्नूप ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ अदर कैशेज हर कैश हर कैश इन देंस कैश कंट्रोलर की बात कर रहे हैं ओके तो ईच कैश स्नूप ऑन ट्रांजेक्शंस ऑफ अदर कैशेस सो दिस इज वॉट स्नूपी बस प्रोटोकॉल नाउ स्नूपी बस प्रोटोकॉल का जनरली हम Uh, कहाँ पे यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं जिसमें कम नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स को हमें कनेक्ट uh, करना है बसेस के थ्रू वहाँ पे हम स्नूपी बस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं बिकॉज बस का बैंडविड्थ लिमिटेड होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को कनेक्ट कर सकता है ज़्यादा प्रोसेस कनेक्ट करने से उसमें ओवर स्टार्ट हो जाता है सो दैट्स वाई वी कैन से इसका शॉर्ट क्या है दैट इट इज़ नॉट स्केलेबल हम इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेस एड नहीं कर सकते सो so, अगर हमें मोर स्केलेबल सॉल्यूशन पे जाना है देन वी हैव टू मूव टू द डायरेक्टरी बेस्ड कोहरेंस स्कीम्स ना स्नूपी बस प्रोटोकॉल्स में दो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं ओके okay? फर्स्ट है राइट इनवैलिडेट और दूसरा है राइट अपडेट सो जहाँ पे भी कॉमन बस स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है और हर प्रोसेसर के पास ख़ुद की प्रोसेसर कैश है देन वहाँ पे स्नूपी बस प्रोटोकॉल यूज होगा और यहाँ पे दो हमारे पास अप्रोचेज होते हैं ओके कैश कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वन इज़ राइट इनवैलिडेट एंड एंड अनदर इज राइट अपडेट राइट अपडेट को हम राइट right ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं सो राइट इनवैलिडेट में क्या होता है सपोज कोई भी प्रोसेसर अपनी लोकल कैश कॉपी को मॉडिफाई करता है ठीक है अगर उसने अपनी लोकल कैश को मॉडिफाई किया तो राइट इनवैलिडेट पॉलिसी जब हम यूज़ करते हैं तब क्या होगा कि वो जो भी रिमोट प्रोसेसर्स की कैशज में जो कॉपीज़ होंगी सेम डेटा की वो सारी की सारी इनवैलिडेट हो जाएंगी ओके okay? इनवैलिडेट हो जाएंगी और इनवैलिडेटेड आइटम्स को हम जनरली कहेंगे डर्टी ओके सो राइट इनवैलिडेट में अगर कोई लोकल कैश अपडेट होता है लोकल कैश में डेटा अपडेट होता है तो जो रिमोट कैशेज में सेम कॉपी होती है डेटा की वो सारी इनवैलिडेट हो जाती है सेकेंड है राइट अपडेट जिसे हम कहते हैं राइट ब्रॉडकास्ट अगर कोई प्रोसेसर अपनी लोकल कैश कॉपी में कोई डेटा अपडेट करता है ठीक है तो राइट अपडेट पॉलिसी क्या करेगा ये उस अपडेटेड कॉपी को ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी प्रोसेसर्स के कैशेस में ओके ताकि सबके पास इमिडिएटली डेटा अपडेट हो जाए सो राइट अपडेट पॉलिसी ब्रॉडकास्ट अ मॉडिफाइड अ मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट टू ऑल अदर कैश एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन जैसे मॉडिफिकेशन होगा तुरंत वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा या हम कहें अपडेट कर देगा दैट्स वाई हम इसे राइट अपडेट भी कहते हैं या राइट ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं सो so नाउ अब हम ये कहें अगर कि स्नूपी प्रोटोकॉल्स कैसे डेटा को कंसिस्टेंट रखते हैं सो स्नूपी प्रोटोकॉल अचीव डेटा कंसिस्टेंसीज कैशेस एंड शेयर मेमोरी थ्रू अ बस वॉचिंग मैकेनिज्म सो बस वॉचिंग मैकेानिज़म का यूज़ करके स्नूपी प्रोटोकॉल्स कैश को कोहरेंट रखते हैं सो so, दो स्नूपी बस प्रोटोकॉल्स हैं जो कि दोनों अलग अलग रिजल्ट को क्रिएट करते हैं तो ये कैसा रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं दोनों को हम हम दोनों को हम वन बाई वन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि राइट इनवैलिडेट और राइट अपडेट को अगर हम राइट थ्रू कैशेस का यूज़ करके आ, देखें तो वो कैसे परफॉर्म करेगा सो इसके लिए कंसीडर करते हैं वी हैव थ्री प्रोसेस प्रोसेसर पी वन पी टू एंड पी थ्री एंड देर इज अ डेटा और वी कैन से ब्लॉक एक्स इन अ शेयर मेमोरी जो कि इनिशियली सबके पास लोकल कैशेज में उसकी कंसिस्टेंट कॉपीज रखी हुई हैं एक्स 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 सो दिस इज अ कंसिस्टेंट कॉपीज ऑफ ब्लॉक एक्स इन शेयर मेमोरी एंड ऑल द्री प्रोसेस कैशेस ओके नाउ अगर हम राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल को देखें कि ये कैसे वर्क करता है सो so, अभी हमने देखा था राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल में क्या होता था अगर कोई भी प्रोसेसर अगर अपने कैश के डेटा को अपडेट करता है देन बाकी अदर कैशेज में अगर सेम डेटा अवेलेबल है तो वो इनवैलिडेट हो जाता है ओके okay? तो इनिशियली अगर हम बोलें कि सब जगह एक कंसिस्टेंट कॉपी है एक्स 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 एंड यूजिंग राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल इफ प्रोसेसर पी वन अगर प्रोसेसर P1 इस डेटा को जो कि पहले X था उसे X से X1 अपडेट कर देती है देन क्या होगा अगर राइट थ्रू कैशेज़ होगा तो शेयर्ड मेमोरी में, में भी इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा अगर राइट बैक कैशेज होता है तो वो थोड़ी देर बाद अपडेट होता है ठीक है सो क्या होगा अगर प्रोसेसर P1 अपने कैश को अपडेट करता है तो राइट इनवैलिडेट प्रॉपर्टी में राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल में क्या होगा जो अदर कैशेज़ में सेम कॉपी रखी थी एक्स 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 वो क्या हो जाएगी इनवैलिडेट हो जाएगी सो so, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आई आई शो कर रहा है कि ये कॉपीज अब इनवैलिडेट हो गई हैं और इस इनवैलीडेटेड ब्लॉक्स को हम डर्टी भी कहते हैं ठीक है सो इनवेलीटेड ब्लॉक्स आर समटाइम्स कॉल्ड डर्टी डर्टी का मतलब जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो इनवेलीडेटेड कॉपी है सो दिस डायग्राम शोज़ वॉट हैपन आफ्टर द राइट इन वैलीडेट ऑपरेशन इज डन बाय द पी वन सो यहाँ पे लोकल कैश भी अपडेट हुई है और शेयर मेमोरी अगर राइट थ्रू कैश है तो ये अपडेट ये अपडेट हो जाएगी बट अदर कॉपीज़ क्या होंगी अपडेट नहीं होंगी यहाँ पर इनवेलीट हो जा रही हैं ओके सो दिस इज़ वॉट राइट इन्वेलीडेट प्रोटोकॉल सेकेंड देखते हैं राइट अपडेट प्रोटोकॉल जिसे हम राइट ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं सो so, यहाँ पे क्या होता है अगर प्रोसेसर पी वन ने अपना डेटा अपडेट किया था एक्स से एक्स वन अपडेट कर दिया और सपोज शेयर्ड मेमोरी में भी वो अपडेट हो गया इन केस ऑफ राइट थ्रू कैश जो कि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सो अदर कॉपीज के साथ यहाँ क्या हो रहा है राइट अपडेट प्रोटोकॉल में ये अपडेटेड जो मॉडिफाइड वैल्यू है ये दूसरे प्रोसेसर की कैशज में भी ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे मीन्स अपडेट हो जाएगी यहाँ भी एक्स वन हो गई और यहाँ भी एक्स वन हो गई सो so, यहाँ पे क्या होगा सारे में कॉपी क्या हो गई अपडेट हो गई तो so, ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं ठीक है जिसे हम फॉलो करके कैश को कोरेंट रख सकते हैं सो so, पहले वाले में राइट right इन्वेलीडेट हो जाता था जिससे पता चल जाता था कि इस इन दोनों प्रोसेस कैशेज में डेटा अभी इनकसिस्टेंट है और राइट अपडेट पॉलिसी में क्या हो रहा है कि अगर कोई एक अपडेट करता है तो ये सारा मॉडिफाइड uh, ये डेटा सभी प्रोसेसर की कैशेज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है वा बस सो दिस इज़ वॉट राइट इनवैलिडेट एंड राइट अपडेट प्रोटोकॉल और अगर uh, हम बात करें राइट थ्रू कैश का तो शेयर मेमोरी हमें मालूम है कि इमिडियटली अपडेट हो जाती है और राइट बैक कैश अगर यूज़ करते हैं तो मेमोरी कॉपी अपडेट होती है बट लेटर अपडेट होती है एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट ब्लॉक नाउ लास्टली इसी प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ और इम्प्लीमेंटेशन uh, और प्रोटोकॉल्स हैं जो इसके अंडर में आते हैं ठीक है लाइक एम एस आई मेसी मोसी मोसी मर्सी मेसेफ राइट वंस प्रोटोकॉल फायरफ्लाई एंड ड्रैगन प्रोटोकॉल ये कुछ इसके इम्प्लीमेंटेशन uh, हैं एंड कुछ इंटरनल कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इसके अलावा भी यूज होते हैं स्नूपी प्रोटोकॉल्स में सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर ले